मतदाता सूची में जीवित लोगों को भी मृतक दर्शाकर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कर 20,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटने के मामले में जिला प्रशासन अपने मातहतों को बचाने में जुटा है। रविवार को भले ही छुट्टी रही, लेकिन अलीगंज तहसील गुपचुप तरीके से खुली और छुट्टी के दिन आरआई रजिस्ट्रार कानून को अमीन और लेखपाल अपने को फंसता देख हजारों की संख्या में बैकडेट में फर्जी तरीके से नोटिस तामील कराने की कार्रवाई करते नजर आए। बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में जिलाधिकारी आवास के बाहर पहुंचकर सैकड़ों लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मामले में जिलाधिकारी एटा से हमने कल शिकायत की थी कि जो वोट काटे गए हैं, वैध वोट जो काटे गए थे उनमें हमने नोटिस कोई जारी नहीं हुआ था, तो पिछली तारीख में ये दिखा के अपने सारे कर्मचारी लगा के कागज रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है जिससे किस तरीके से ये कर्मचारी और अधिकारी बचाए जाए। कितने वोट काटे गए हैं जो कि लोग जिंदा हैं और जिंदा लोगों को जो है मृत दर्शाकर वोट काट दिए गए, कितने वोटों में घालमेल मालूम पड़ता है? 20,000 के लगभग जो वोट कटे हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता है, और हम जो शिकायत माननीय आयोग में दे के आए थे कि 170 बूथ ऐसे हैं जिन पर लगभग 40,000 से 45,000 वोट फर्जी है। किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया आपको? अध्यक्ष शिकायत बताओ। नहीं, ये सारे लोग किसके आदेश में कर रहे हैं बैठेंगे? तो आदेश दूंगी। कई सारे अधिकारी बैठे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, तो किन अधिकारियों के निर्देश से ये बैठ में नोट कर भाई? आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कोई प्राइवेट तो है? क्या पद, ये किस पद में है आप इस तहसील में? आर्थिक पद पर। ये बिना आपकी जानकारी के ये कैसे निर्वाचन का इतना महत्वपूर्ण कार्य कैसे हो रहा है? मैं इलेक्शन का काम नहीं देख रहा हूँ। नहीं तो ये जनवरी के महीने में बैक डेट में नोटिस तैयार किए जा रहे हैं तहसील परिसर के अंदर, क्या लगता है कि आपको इसको वही 20,000 वोट जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं या काटे गए उससे जोड़ के देखा जाए? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। किसी वरिष्ठ आला अधिकारी के आदेश पे काम कर रहे हैं आपने, निजी आदेश पे? ये वो लोग हैं जिन्हें वोटर लिस्ट में या तो मृत दिखा दिया गया है या फिर उनके नाम काट दिए गए हैं। ऐसे एक नाम नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे मतदाताओं को मृत दिखाया गया है जो कि जीवित हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते अब इन्हें अपने जीवित होने के प्रमाण पत्र के साथ प्रदर्शन करना पड़ रहा है।